मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आपको अपना बोगनविलिया का जो प्लांट है वो दिखा रहा हूँ और इसकी केयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अब मेरा जो ये बोगनविलिया का प्लांट है ये वाइट कलर के जो है फ्लावर वाला प्लांट है और आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन शाखों से जो है वो इस तरीके से वाइट फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और देखते ही देखते जो मेरा ये आप देख सकते हैं काफ़ी घना है बोगनविलिया का प्लांट, कुछ शाखें भी इसकी निकल रही है क्योंकि ये बेलनुमा होता है, अगर इसको जगह दी जाए तो ये बेल की शक्ल में चलता ही चला जाता है। लेकिन मैं इससे बेल की शक्ल में नहीं इसको चलाऊंगा और जितनी भी ये एक्स्ट्रा आपको स्टिक्स नज़र आ रही है इन सब को मैं जो है कटिंग कर दूंगा और इसको मैं इसी तरह बुशी अंदाज में रखूंगा जिस तरह आपको ये अभी दिख रहा है। और जब ये फ्लावरिंग से पूरा भर जाएगा, सिर्फ वाइट फ्लावरिंग इसमें जब हर तरह से फैल जाएगी तो फिर इसमें जो है वो लीव्स जो है वो कम नज़र आएंगे और हर तरफ फ्लावर ही फ्लावर वाइट कलर के नज़र आएंगे। अभी जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है, फिर देखते ही देखते थोड़े ही टाइम में 1 से 2 महीने में ही ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो उस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और दिखाऊंगा। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें अब फ्लावरिंग सिर्फ स्टार्ट हुई है। तो आपको बता दूँ कि मैंने इसे जो है ज़मीन पर लगाया है, मेरे घर के बाहरी क्यारी है उस क्यारी में मैंने इसे प्लेस किया है और इस बोगनविलिया प्लांट के लिए जो सोइल मिक्सचर मैंने रेडी किया है वो 70% भालू मिट्टी और 30% काउडंग यानी गाय का गोबर जो है मैंने सोइल मिक्सचर इसके लिए रेडी किया। और इसे जो जगह मैंने दी है वो फुल सन वाली जगह दी है, यहाँ पर पूरे दिन की रोशनी होती है और साथ ही 6 से 8 घंटे की इस प्लांट को धूप मिलती है। और जो भी फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले तो उसमें फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। और डेली मैं वाटरिंग करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 से 8 घंटे की धूप पड़ती है तो इसलिए मिट्टी खुश्क हो जाती है। तो मैं अपनी इस क्यारी में, जो मेरी ये क्यारी है आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी क्यारी है, तो यहाँ डेली वाटरिंग करता हूँ मैं। लेकिन जब मैं इस बोगनविलिया प्लांट की तरफ आता हूँ तो इस पर जो वाटरिंग है वो मैं बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि इसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं यानी कि रेगिस्तानी पौधा, और इसे वाटरिंग की ज़रूरत बहुत कम होती है। क्योंकि अगर इसे कम से कम वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आएंगे। अगर आपको ग्रीनरी चाहिए तो इसमें ज़्यादा वाटरिंग करें, और आपको अगर फूल चाहिए तो फिर इसमें कम वाटरिंग करें। तो मैं भी इसमें कम वाटरिंग अभी कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग आना अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये था मेरा बोगनविलिया का प्लांट। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा मेरा बोगनविलिया का प्लांट आपको, और मेरी ये शेयरिंग आप लोगों को पसंद आई तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।